हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं सो के उठी हूँ। और आज है घर में पूजा, तो अभी सारा काम वाम निपटाते हैं और फिर उसके बाद मम्मी की हेल्प करते हैं, फिर पूजा करेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने एक छोटी सी लोकेशन में, क्योंकि गार्डन पीछे आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं सोचा कि चलो आज यहीं पर शूट करते हैं तो अच्छा लगेगा। गाइस, फिलहाल बना रही है मम्मी पूड़िया पूजा के लिए। और क्या बनेगा मम्मी पूड़ी के अलावा? मैं पूड़ी बनेगी। तो आज हमें पूड़ी और अचार और चटनी खाने के लिए मिलेगी ब्रेकफास्ट में। तो अभी मम्मी पूजा करेंगी और मम्मी ने काफ़ी बना ली है, थोड़ी और रह गई है। कितनी बनानी है मम्मी? 30। हाँ, मम्मी की पूड़ी गिर गई तो हमारी नज़र लग गई है। तो गाइस, बेसिकली ये जो फ्लावर हैं, ये घास वाले फ्लावर हैं, पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मैं अभी इन्हें तोड़ती हूँ और इनका कुछ बनाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत अच्छा आइडिया आया है। तो मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ दिखाऊंगी आपको मैंने क्या बनाया। ये टियारा बनाया है मैंने, कैसा लग रहा है? आई होप अच्छा लग रहा होगा। तो ये मैंने सिर्फ फूल और पत्ती से बनाया है। तो गाइज, ये टियारा मैं देने वाली हूँ मानसी को, तो देखते हैं उसके एक्सप्रेशन, उसको कैसा लगेगा। नमस्ते। तो मानसी आ रही है भाग भाग के। लो, राहुल भी आ गया। मैंने मानसी के लिए कुछ बनाया है। रुक जाओ, मैं बनाऊंगी। यो क्या करेंगे इसके लिए? तो वांसी का टियारा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैंने फूल पत्ती से बनाया। राहुल, कैसा लग रहा है मानसी का टियारा? सही है। क्या बोलता है इसे? हाँ, टियारा बोलता है इसे, टियारा। ये प्रिंसेस के पास होता है, जो फूलों की राजकुमारी होती है ना, उनके पास। कैसा लगा उतार के? तो देख कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मानसी को पसंद, मुझे लग रहा तेरे को अच्छा नहीं लगा, ज्यादा पसंद नहीं आया। सही है, अच्छा लगा। तो ये मानसी के लिए बनाया मैंने, तो इसको पहन के घूमना आज। चल, तू क्या गेट पे लटक रहा है, चल उतर। सारी भरतचार वाली भी थी उसमें? नहीं। अरे थी उसमें? सारी ना देखी हमने, है? सारी ना देखी। तो सारी देखनी चाहिए थी, सारी देख ली पर आई ना अभी। अरे आई है, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा ढंग से। याली भी आ जाएंगी, जो याली। हाँ, ये वाली। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और हम चारों लोग, मानसी, राहुल, मम्मी और मैं, जा रहे हैं एक जगह और घूमने के लिए। तो अभी बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहा, कल हम जाने वाले हैं अपने रुड़की वापस। तो सामने है बंदर। तो ये है इरेक्टर हॉस्टल। तो अभी आपको अंदर का भी व्यू दिखाते हैं कि जहाँ पे लोग बाहर से आके रुकते हैं, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं, या फिर जैसे बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो वो सब यहाँ पे रुकते हैं। मतलब ये एक तरह का गेस्ट हाउस है, जो भी बाहर से आता है, क्योंकि ये पूरी गवर्नमेंट कॉलोनी है, तो इसलिए जो भी बाहर से आता है वो यहीं पर रुकता है। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे। Thank you.
तो ये है गार्डन। अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि रूम्स वगैरह की चाबी तो है नहीं अंकल के पास। तो अभी चलते हैं मीटिंग हॉल में, मीटिंग हॉल खुला हुआ है। तो गाइस ये है मीटिंग हॉल, तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, वॉश बेसिन है, किचन है ना अंकल ये। तो यहाँ पे टॉवल वगैरह भी लगी हुई है मस्त। और ये है किचन, तो यहाँ पे है किचन, तो यहाँ पे गेस्ट वगैरह के लिए खाना वगैरह भी बना सकते हैं। और ये उनके लिए बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो गाइस ये है मीटिंग रूम, तो सिर्फ यही खुला हुआ था यहाँ पे और काफी अच्छा बना हुआ है। जैसे बाहर से गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो यही रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। अभी चलते हैं वापस, और काफी अच्छा लगा हम से मीटिंग रूम देख पाए, पर वो भी काफी अच्छा था। गेस्ट रूम खुला हुआ नहीं था और रूम्स वगैरह भी नहीं खुले हुए थे, तो आपको किसी और टाइम पे दिखा देंगे क्या कर रहा है। तो अभी चलते हैं घर वापस, तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। तो सामने बच्चे खेल रहे हैं, तो लड़कियां वगैरह भी खेल रही हैं। ये छोटा सा बच्चा, बताओ इसको अभी से शर्म आती है? कह रहा मुझे शर्म आती है। इतना क्यों सुनवा रहा है? कैमरा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? अब आंखें छुपाने से क्या शर्म छुप जाएगी? शर्म किस बात की आती है तुझे? डंडे से कौन आंखें छुपाता है? है? डंडे से कौन आंखें छुपाता है? तो गाइस शाम के बज गए हैं 7 और मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि कल हमें निकलना है रुकी वापस। तो अभी पैकिंग वगैरह हो गई है, तो अब हमारा एक बड़ा बैग है, एक छोटा बैग है, और इसके अलावा अब हम बनाएंगे खाना, मम्मी की हेल्प करेंगे खाना बनाने में, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे सीधे सुबह। ओले 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 ओले, कितने क्यूट हो आप, कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो। कितने क्यूट हो आप, भूख लग रही है इसे? ले दे इसे, थोड़ी देर में दूध दूंगी मैं आपको, ठीक है? ले जी घर को है, बहुत सारे पाल रखे डॉग लवर। तो गाइस हम निकल पड़े हैं और अभी जा रहे हैं रुकी वापस, अभी बस स्टैंड पे जा रहे हैं, तो मम्मी और सारा काम करेगी घर का। वैसे तो मम्मी करती थी, हम बहुत कम करते थे, पर अब मम्मी को पूरा ही करना पड़ेगा, थोड़ी भी हेल्प नहीं मिलेगी। अब कुछ दिन बाद मिलते हैं आपको इसी जगह पे, तो बाय बाय।